Hello friend? आज का हमारा जो डी है तो वो काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि हम इसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में करते हैं चाहे हम बेड शीट बनाएँ या कुशन कवर बनाएँ या रनर वग़ैरह तो उन सभी में हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं तोरण वगैरह बनाने में भी इनको बनाते हैं लेकिन बनाने में हमको काफ़ी समय लगता है और उतने सुंदर हमारे पमपम जो हैं तो बन तैयार भी नहीं होते हैं तो चलिए आज आपको बनाते हैं कि एक सार एक से हम पमपम किस तरह से बना सकते हैं एक साइज़ तो देखिए इस तरह से हमने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और साथ में जो है तो जिस जितना बड़ा आपको पम्पम बनाना है उसके आकार का ये आप दो सर्कल बना लेंगे इस तरह से बनाने में बहुत आसान है और बिल्कुल एक से बन जाते हैं छोटे बड़े बिल्कुल नहीं होते हैं हाँ आपको जिस साइज़ का बनाना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं तो ये देखिए इधर पर जो हमने ये ड्रॉ किया था तो इसको सर्कल को हमने काट लिया है तो इधर पर दो सर्कल बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं तो ये देखिए इधर पर दो बन के हमारे तैयार हो गए हैं अब इनको जो है तो हमको इस तरह से दोनों को ले लेना है और इसके बीचों बीच हमको एक इस तरह से छेद कर देंगे इस तरह से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है बस इतना करना है कि ये पूरा सर्कल बहुत आराम से ऊन से भर जाए तो देखिए इधर पर दोनों में छेद कर दिया है हाथ में जो सुई है बड़ी सुई ली है जिसमें कि ऊन आसानी से चला जाए और बस इसको लंबा सा आप ऊन इसमें डालेंगे जिसमें कि थोड़ा सा अच्छे से ये भर जाए तो इधर पर लेके सबसे पहले इसमें नोट लगा देनी है बिल्कुल सिंपल सी एक नोट लगाएंगे और बस इसको हमको भरते चले जाना है तो ये बनाने में भी आसान है ये देखिए इस तरह से इस छेद में से हम ऊपर से लेते हुए धागे को इस तरह से और बस इसको पूरी तरह से हमको भर लेना है और बस बन के हमारी पम्पम्प तैयार हो जाएंगे और जहाँ हमारा ऊन खत्म हो जाता है तो उधर पर हम दूसरा सुई में ऊन डाल के और इस तरह से हम नॉट लगा देंगे जितना भी हमको बनाना है जहाँ से भी हमको ऊन कम पड़ता है तो उधर पर हम नॉट लगाते जाएंगे और साथ में हम इसको पूरे सर्कल को भर लेंगे तो देखिए इधर पर हमने नॉट लगा दी है और बस इसको फिर से इस तरह से भरते जाना है इसी जो बीच में हमने छेद किया था उसी में से निकालते हुए चारों तरफ से ऊन को लपेट देना है और जो ऊन लपेटना है तो वो थोड़ा टाइट लपेटिएगा जिसमें कि सफाई काफी अच्छे से आए तो बस इस तरह से पूरे जो भी हमारा गोला है तो उसको पूरी तरह से हम भर देंगे अब इधर पर भी देखिए ये हमारी ऊन खत्म हो गई है तो इधर से हम इसको कट कर देंगे फिर से इधर पर नोट लगाएंगे आ, ऊन को हम निडल में डाल के और फिर इधर पर हम नॉट लगा देंगे और इस तरह से देखिए कि पूरा सर्कल हमारा बहुत अच्छे से भर गया है अगर इसको आपको और घना करना है तो इसके ऊपर भी आप ऊन को बार बार लपेट सकते हैं तो अगर दो कलर के बनाना है तो दो तीन कलर भी इसमें डाल सकते हैं ये पूरी तरह से भर चुका है अब इसमें हम बिल्कुल शॉर्प एक ब्लेड लेंगे लेकिन बहुत सावधानी से इसको करिएगा क्योंकि तुरंत ही उंगली कटने का डर रहता है तो तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें कट लगा लेंगे फिर इसके बाद दोनों जो हमारे गोले थे ये देखिए इसके अंदर ब्लेड करेंगे तो बहुत जल्दी ये देखिए इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा तो इधर पर देखिए हमने चारों तरफ से इसको कट कर लिया था अब एक ऊन इधर पर ले तो डबल ऊन करके है ये देखिए धपा खोल के आपको दिखा दे इस तरह से इस तरह लपेट कर और दो तीन बार नॉट लगा देंगे जिसमें कि इसमें अच्छे से मजबूती आ जाए आप देख सकते हैं कि इधर पर हमने ये ले लिया है अब बिल्कुल सिंपल जो है तो हमको इधर पर नाट लगाना है और नोट हम दो तीन बार लगाएंगे जिसमें कि जो हमने ऊन कट किया है तो वो पम्पम से निकले नहीं तो दो तीन बार हमने इसमें नोट लगा दी थी अब इसके बाद देखिए जो भी ये कार्ड था तो इसको हमने गत्ते को इस तरह से फाड़ के और निकाल के अलग कर दिया था अगर नहीं निकल रहा है तो इसको हम कैंची से भी कट करके और इस तरह से काट के ये देखिए इस तरह से और बस इसको हम निकाल के अलग कर देंगे अब बस इसके बाद जो है तो हमारा पम्पम बन गया है लेकिन अभी इसको फिनिशिंग देना है और इसको एक सार कट कर देना है जिसमें कि ये सुंदर दिखने लगे क्योंकि इधर पर देखिए अभी कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा ये देखिए छोटे बड़े जो ऊन है तो वो दिखाई दे रहे हैं तो इसको लेके हम बहुत अच्छे से अच्छी से एक से कट कर देंगे तो बहुत अच्छा सा एक पम्पम बन के तैयार हो जाएगा तो इस तरह से यदि आपको एक ही साइज के पम्पम लेना है तो एक साइज के आप इस तरह से सर्कल काट लीजिए और बिल्कुल एक से जो है तो आपके पम्पम बन के तैयार हो जाएंगे ये आपके ऊपर है कि आपको छोटे बड़े किस साइज के चाहिए उस हिसाब से आपको अपने गोले कट कर लेना है ये देखिए कितने अच्छे से ये बन के इधर पर तैयार हो गया है यदि इसको दो तीन कलर में बनाना है तो इसी मेथड से बनाएंगे बस इसमें गोले को भरने का तरीका अलग रहेगा जैसे कि ये है तो कुछ दूरी पे आपने जैसे हल्के कलर का यूज़ किया है और थोड़ी दूरी पे आप इस तरह से ब्लैक कर सकते हैं अगर आपको दो तीन कलर का कर करना है तो दो तीन कलर भी इसमें इसी तरह से डाल सकते हैं और अगर बहुत ज़्यादा घना आपको करना है तो इसके ऊपर से भी लपेट लपेट के कई कलर डाल सकते हैं जिसमें कि पम्पम जो है तो कई कलर से बन के तैयार हो जाएगा तो इधर पर आपको हम ये दिखा दें कि ये दफा पमपम हमने दो कलर से इस तरह से भर दिया है अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने पहले ग्रीन वाले में की थी तो बस अब इसको भी पीस से हमको कट कर देना है और बस ये देखिए इस तरह से इसको भी कट कर देंगे और इसके बाद जो है तो धागे से इसको नोट लगा के बांध के अच्छे से निकाल देंगे तो इस तरह से देखिए हमारा जो पम्पम है तो बहुत सुंदर सा बन के तैयार हो गया है और दो तीन कलर में भी ये काफ़ी अच्छे लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसको भी देखिए इधर पर हम इस तरह से फाड़ के अलग कर देंगे तो देखिए कितना सुंदर सा एक हमारा दो कलर का पम्पम भी बनकर तैयार हो गया है तो चलिए बताइएगा जरूर कि आज का मेरा डी जो मेरे पम पम है वो आपको कैसे लगे अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा जिससे कि मेरे वीडियो की जो भी नो, नोटिफिकेशन है तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी तो चलिए फिर मिलते हैं और नए है? इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू